नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज का जो पिकअप पाइल है उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर है या आप जिनसे प्यार करते हैं उनकी आपके तरफ करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। आपके पार्टनर के बारे में सोचें, अपना क्वेश्चन पूछें एंड आई विल सी इन योर रीडिंग। थैंक यू सो मच। आइए तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया था क्लियर क्वार्ट्ज, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके तरफ क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले हम उनके साइंस फाइंड आउट करेंगे। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर माय फ्रेंड्स हु हैव चोजन पाइल नंबर 1। थैंक यू। तो पहले देखते हैं कि आपके या आपके पार्टनर के साइंस क्या हो सकते हैं। पाइल नंबर 1, व्हाट वुड बी द साइंस फॉर पाइल नंबर 1 एंड द पार्टनर। आप या आपके पार्टनर कैंसर हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, अक्वेरियस हो सकते हैं या पाइसिस हो सकते हैं। वंडरफुल, ठीक है। आप या आपके पार्टनर कैंसर हो सकते हैं, घर पे बहुत फोकस है। ऐसे लोग हैं आप या आपके पार्टनर जिनको लगता है कि घर जो है वो ही उनका सब कुछ है, उनका सब अस्तित्व, उनका प्यार, उनका सुकून, उनका चैन उनका घर है। आप या आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ऐसे इंसान है जो हमेशा खुद को बेटर करने की कोशिश करते हैं, हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि राइट नाउ आप या आपके पार्टनर कोई ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हैं, लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है जिसके कारण कुछ बदलाव आ रहे हैं। आप या आपके पार्टनर पाइसिस हो सकते हैं, ऐसे इंसान हैं जिनको फ्री विल चाहिए है, बांध के उनको नहीं रख सकते हैं, जहां उनकी मर्जी है वहां उनको जाने की इच्छा है एंड ऐसा ही वो चाहते हैं, बांध के इनको रख नहीं सकते हैं। जैसे मछली पानी में कहीं भी जा सकती है तैर के, ऐसा ये कार्ड है कि इनको बंधन अच्छे नहीं लगते। आप या आपके पार्टनर अक्वेरियस हो सकते हैं, अवेकनिंग का कार्ड है, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, मेडिटेशन योगा कर सकते हैं, डिवाइन से काफी कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कि आप और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। कॉमन कार्ड्स निकालेंगे, व्हाट इज हैपनिंग इन द रिलेशनशिप, आपके करंट रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। पाइल नंबर 1 के करंट एनर्जी की, पाइल नंबर 1 की रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। ऑलराइट, ये स्टार्ट करने से पहले लेट्स फाइंड आउट नेम्स जो है वो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, आप और आपके पार्टनर के नेम्स कौन से साइन से स्टार्ट होंगे, कौन से लेटर से स्टार्ट होंगे। तो लेट्स फाइंड आउट आप और आपके जो पार्टनर हैं उनके नाम में क्या लेटर्स हो सकते हैं, हम वो कोशिश फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप या आपके पार्टनर के नाम में जी हो सकता है, एल हो सकता है, ओ हो सकता है, ए हो सकता है, सी, आई, बी एंड वाई। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ, जी, एल, बी, आई, ए, वाई, सी एंड ओ। तो आप या आपके पार्टनर के नाम में ये हो सकता है। ठीक है, वेरी नाइस, ऑलराइट। तो लेट्स सी फिलहाल आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग इन पाइल नंबर 1 रिलेशनशिप राइट नाउ, प्लीज।
टेन ऑफ सॉर्ड्स की ओवरऑल एनर्जी है, फोर ऑफ सॉर्ड्स, हैंगमैन एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी जो है आपकी रिलेशनशिप की, टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। पाइल नंबर वन, कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में जरूर हुआ है, आपको या आपके पार्टनर या दोनों को लगता है कि आपका रिलेशनशिप फिलहाल खत्म हो चुका है, आप कंप्लीटली नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में हुआ है जिससे ओवरऑल आप दोनों को लगता है कि शायद दिस टाइम क्या ये वो टाइम है जब आपकी रिलेशनशिप टोटली खत्म हो चुकी है। आप भी आपके पार्टनर की तरफ जा नहीं रहे हैं और आपके पार्टनर भी आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, आप दोनों वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि कौन पहले मैसेज करेगा, कौन पहले फोन करेगा, कौन पहले प्यार की तरफ या रिकंसिलिएशन की तरफ पहला कदम उठाएगा। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मुझे कम्युनिकेशन गैप दिखता है, दोनों पार्टनर्स को लग रहा है कि दूसरे पार्टनर की गलती है या दूसरे पार्टनर ने पहला कदम आके अपनी तरफ लेना है। मेजर अरकाना कार्ड है यहाँ पे, हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पे, दोनों जो है कुछ एक तो एक दूसरे की तरफ जा नहीं रहे हैं, एक्चुअली दोनों आप दोनों ये रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं थक गए हैं। आगे जाके देखेंगे क्या आपकी सिचुएशन है, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है, और दोनों जो है सच में सोच रहे हैं कि शायद ये रिलेशनशिप में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, आगे कदम उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, इतनी कश्मकश आप लोगों के दिमाग में हो रही है, चल रही है राइट नाउ कि आपने डिसाइड किया है कि आपने कुछ नहीं करना है, बस स्टैंड स्टिल करके देखना है। गिविंग अप का भी ये कार्ड है। एक दूसरे से आप प्यार जरूर करते हैं, एक दूसरे को आप अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इतने मेंटली आप लोग थक गए हैं, इमोशनली टूट गए हैं कि आप बस अब खड़े हैं कि पार्टनर आएगा तो देखेंगे आगे क्या हो सकता है। आप दोनों ये भी सोच रहे हैं कि शायद दूसरा जो इंसान है उसकी थोड़ी सी यू नो जैसे बोलते ट्यूबलाइट जो है वो ऑन हो जाए, या उनको कुछ रियलाइजेशन हो कि उनकी गलती क्या है और वो आगे कैसे आ सकते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसका दो मतलब है कि शायद आप और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का मुझे यहाँ पे सिचुएशन दिख रहा है, या सेपरेशन डिवोर्स का मुझे यहाँ दिख रहा है, या ऐसे कपल्स हैं जहाँ पे उनके पेरेंट्स जो है शादी के लिए मान नहीं रहे, तो फैमिली दोनों तरफ से फैमिली का कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है, फैमिली के कुछ प्रेशर्स हैं, फैमिली के कोई डिमांड्स हैं जिनके कारण आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं राइट नाउ उनके लाइफ में क्या हो रहा है, आपके जो पार्टनर हैं उनके लाइफ में फिलहाल क्या चल रहा है और आपके लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स सी कि आपके जो पार्टनर हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है राइट नाउ। व्हाट इज हैपनिंग इन पाइल नंबर वन पार्टनर्स लाइफ राइट नाउ, व्हाट इज हैपनिंग इन पाइल नंबर वन पार्टनर्स लाइफ राइट नाउ। आपके जो पार्टनर है राइट नाउ अपनी जो वो है ना राइट नाउ अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपने स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी टॉरस ऑलरेडी कार्ड में आया था और यहाँ पे भी टॉरस एनर्जी जो है काफी स्ट्रांग है क्योंकि तीन पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़े से डरे हुए हैं, अपनी जो फ्यूचर स्टेबिलिटी है उसको लेके थोड़े से डरे हुए भी हैं और फोकस उनका राइट नाउ अपने फाइनेंसेस के ऊपर है। काफी कंफ्यूज हैं वो राइट नाउ अपनी लाइफ में कि आगे कैसे बढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा उनको। आई थिंक वर्क रिलेटेड काम के यू नो इर्द गिर्द उनके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, रात दिन जुटा रहे हैं काम के लिए, चाहते हैं कि या तो उनको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है या उनका कुछ प्रोजेक्ट है जो उनको कंप्लीट करना है, खुद का अगर बिजनेस है तो भी आई थिंक बिजनेस के पीछे लगे हुए हैं एंड चाहते हैं कि यू नो उनके इर्द गिर्द भी लोग ऐसे हैं जो उनको शायद उनके काम में सपोर्ट कर रहे हैं।
स्लो मूविंग एनर्जी है आपकी पार्टनर की, जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं। एंड आई थिंक राइट नाउ मे बी उनको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि शायद आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, मे बी काम में वो इतने फंसे हुए हैं इसीलिए वो आपको शायद टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनको कहीं और से मल्टीपल प्रपोजल्स आए हैं और वो कंफ्यूज है कि किसको चूज करना है। शायद आपके पार्टनर जो है वो पढ़ाई के लिए किसी और सिटी में या कहीं और चले गए हैं और उसके कारण भी आप लोगों में सेपरेशन हो गया है, ऐसे मुझे दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपके पार्टनर के दिमाग में प्यार नहीं है, सोच रहे हैं कि या तो अपने काम पे फोकस करें या कंफ्यूज्ड है कि उनको शायद कहीं और से प्यार का ऑफर है या उनके इर्द गिर्द ऐसे और लोग हैं जो शायद उनका जो अटेंशन है वो आपसे बांट रहे हैं। आपके जो पार्टनर है राइट नाउ वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, व्हाट इज योर पार्टनर फीलिंग अबाउट यू राइट नाउ। आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं और आप आपके पार्टनर के बारे में क्या फील कर रहे हैं, लेट्स पुल आउट कार्ड्स फॉर यू एंड योर पार्टनर। व्हाट इज पाइल नंबर वन्स पार्टनर फीलिंग फॉर पाइल नंबर वन राइट नाउ। आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए राइट नाउ क्या फील करते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी यहाँ पे, अर्थ एनर्जी काफी है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, थ्री ऑफ कप्स है, आप आपके पार्टनर के बारे में क्या फील करते हैं। टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके ठीक है। एंड पाइल नंबर वन, आपके जो पार्टनर है ना वो मुझे लगते हैं कि वो मेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। शायद पास्ट में जब आप लोगों का झगड़ा हुआ था तो शायद आप हर वक्त उनको जाके सॉरी कहते थे या हर वक्त उनकी गलती को माफ़ करते थे, या अगर झगड़ा हुआ है तो आप थे जो पहले उनको एक मैसेज भेजते थे। तो आपके जो पार्टनर हैं राइट नाउ वो थोड़ा राइट नाउ मुझे लगता है उनके ईगो में है राइट नाउ, उनको यही लग रहा है कि आप उनकी तरफ अभी तक आए क्यों नहीं है। वो यही टाइम का वेट कर रहे हैं कि जैसे हर टाइम 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, उन्होंने आपको मैसेज नहीं किया तो आपने उनको डेफिनेटली मैसेज किया होगा। तो थोड़ा सा आपके जो पार्टनर है ना ईगो उनका काफ़ी है, या उन्होंने आपको थोड़ा फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि कुछ भी हो जाए तो आप उनकी तरफ आएंगे। आपके बारे में क्या फील करते हैं, आपके साथ एंजॉय करना साथ चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच लेना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में। कुछ ऐसे आपके रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम है जिसके कारण उनको लगता है कि इमोशंस को छोड़ के मेंटली कुछ ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए जिससे आप लोग इकट्ठा आ सके। लेकिन उनका ईगो बहुत काफ़ी ज़्यादा है, चाहते हैं कि आपको एक छोटा प्यार का ऑफर दें, मे बी आपको एक मैसेज दें, लेकिन दे नहीं रहे हैं बिकॉज आपका वेट कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आए। आपके पार्टनर को पता है कि आप उनसे काफ़ी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप टूट चुके हैं या आप हर्ट हैं और इसीलिए आपने उनको मैसेज नहीं किया है, फिर भी वो आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ी सी जो एनर्जी है मुझे अनहेल्दी एनर्जी लगती है। प्यार में ईगो नहीं होना चाहिए, प्यार में आई मीन टाइम इज एवरीथिंग राइट। आई मीन एक बार टाइम चले गया तो वो टाइम वापस नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि थोड़े से जो आपके पार्टनर है, अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज शेयर, लेकिन आपके जो पार्टनर है उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि कुछ भी हो जाए तो पाइल नंबर वन के जो इंसान है वो बस मेरे पीछे आएंगे और वो वेट कर रहे हैं मजे से कि आप कब आएंगे। ऑफ कोर्स आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन माइंड गेम्स खेल रहे हैं आपके साथ वेट कर रहे हैं। और आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं और आप यहाँ पे
क्या फील कर रहे हैं आप, आपके पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आए, आपको प्रपोज करें, या अगर आप सेपरेटेड हैं तो आपकी फैमिली फिर से इकट्ठा आए, थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आप चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक यूनियन में आए, आप वो बहुत ज्यादा मिस करते हैं, आप आपके पार्टनर को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, उन पे नजर बनाए रखें कि आपके पार्टनर ने इतने दिन हो गए आपने मैसेज नहीं किया है तो आपके पार्टनर ने आपको मैसेज क्यों नहीं किया है, और इसके कारण आपको डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, रात को आपको नींद नहीं आ रही है, कुछ ऐसा आपके रिलेशनशिप में हुआ है जिसके कारण आपने डिसाइड किया है कि ये टाइम बहुत हो गया है, मैं मेरे पार्टनर को उनकी गलती का एहसास होना चाहिए और उन्होंने आपकी तरफ आना चाहिए, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं, उनको इतना पक्के से पता है कि आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि कुछ भी हो जाए अल्टीमेटली आप उनके पास आएंगे, तो फिलहाल उनकी यही एनर्जी है। रोमांस एंजल से पूछते हैं राइट नाउ कि आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, व्हाट डू आई नीड टू नो अबाउट पाइल नंबर वन रिलेशनशिप राइट नाउ, व्हाट डू आई नीड टू नो अबाउट पाइल नंबर वन रिलेशनशिप राइट नाउ, व्हाट डू आई नीड टू नो अबाउट पाइल नंबर वन रिलेशनशिप राइट नाउ। Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. तो आप थोड़ा positive रहें, आपके यहाँ पे आपको 9 of swords का card आया था जिसका मतलब है कि आप पूरी तरह stress हो गए हैं, तो divine आपको ये कहता है कि आप थोड़ा optimistic रहें, थोड़ा positive रहें, आगे cards में देखते हैं इनके actions क्या होंगे, लेकिन stay positive. I think कि अगर आप अपनी जगह पे खड़े रहेंगे और आपके पार्टनर को रीच आउट नहीं करेंगे तो थोड़ा सा उनको झटका लगेगा और शायद वो आपकी तरफ आएंगे, देखेंगे कार्ड्स कैसे आगे आते हैं, लेकिन मेरा इंट्यूशन यही कहता है कि ये टाइम आपने जमे रहना है। अगर आपके पार्टनर ने आपको कुछ उनकी तरफ से अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है या हर बात पे उनकी बात चलती है और आपने कुछ कहा है और आपकी बात नहीं मान रहे, तो दिस टाइम आई थिंक कि आप थोड़ा सा सब्र रखें, वो शायद आपकी तरफ जरूर आएंगे। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, अगर चाहते हैं कि आप आपके पार्टनर की तरफ जाए तो आपके फ्रेंड्स को कहना कि या तो आपको जकड़ के रखें या आप आपकी फ्रेंड से बात करें, ऐसा कुछ करें कि आप होल्ड ऑन करें, वेट फॉर योर पार्टनर टू कम। फ्री योर सेल्फ का कार्ड है यहाँ पे, बहुत बन चुके हैं आप आपके पार्टनर की तरफ, आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके पार्टनर नहीं है तो आपका कुछ लाइफ नहीं है, सुबह से लेके रात तक आप सिर्फ आपके पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं जो बहुत गलत है, और वहां पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में फिलहाल क्या चल रहा है, अपने पेंटिकल्स, अपने पैसे, अपने जॉब, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि कुछ भी हो जाए पाइल नंबर वन तो मेरे पास वापस आ जाएगा, एंड एक्सप्रेस योर लव है, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, ये आपके पार्टनर के लिए है, हम वेट करेंगे कि आपका पार्टनर आके आपको प्यार एक्सप्रेस करेगा। ये जो नींव है, जो ये इक्वल गिव एंड टेक है, वो रिलेशनशिप के स्टार्ट में ही आपको बनानी है, नहीं तो हमेशा ऐसा ही होगा कि आपके पार्टनर को लगेगा कि अब क्या हुआ, अब क्यों ये मेरे से ऐसे बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे जाके देखते हैं कि आपके पार्टनर की आपके तरफ इंटेंशंस क्या है और एक्शंस क्या है और ब्लॉक्स क्या है कि वो आपके तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं। व्हाट आर पाइल नंबर वन पर्सन्स एक्शंस इंटेंशंस टुवर्ड्स पाइल नंबर वन एंड व्हाट आर द एक्शंस दैट दे विल टेक। पाइल नंबर वन इंटेंशंस एंड एक्शंस, वो ये रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, एक्शंस। Intention and what are the actions? बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आपके पार्टनर चाहते क्या है?
एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, चाहते हैं कि जो पावर है वो उनके पास ही रहे, जिस ढंग से वो आपको कंट्रोल करते थे वो चाहते हैं कि वैसा ही कंट्रोल उनका आपकी तरफ बना रहे, लेकिन वो रियलाइज कर रहे हैं कि शायद वो कंट्रोल अब आप पे चल नहीं रहा है, बिकॉज आपका कहीं ना कहीं पाइल नंबर वन दिल टूटा है, आप थक चुके हैं कि बस आपके पार्टनर की मन की चलती है, आपकी नहीं चलती है, या उन्होंने शायद अपने पेरेंट्स का सुन के आपसे बात करना बंद किया है, मदर इन लॉ का सुन के, फादर इन लॉ का सुन के शायद आपसे ब्रेकअप किया है, थर्ड पार्टी है और आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, तो चाहते हैं कि जो पावर उनका था आप पे वो कंटिन्यू रहे, लेकिन बिकॉज आप आई थिंक दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और काफ़ी दिन हो गए कि आपने उनको कांटेक्ट नहीं किया है, अब वो चाहते हैं कि उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो बहुत स्टबन बिहेव कर रहे थे, बहुत कंट्रोलिंग बिहेव कर रहे थे, रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था और अब उनको थोड़ा सा लेफ्ट आउट इन द कोल्ड लग रहा है, उनको लग रहा है कि शायद आपने उनको छोड़ तो नहीं दिया है, चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आए, आप या आपके पार्टनर कैंसर हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं या अर्थ साइन हो सकते हैं, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ के चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आए और आप जो है उनकी विश फुलफिलमेंट है, यू आर देयर ड्रीम कम ट्रू, आपसे प्यार वो काफ़ी करते हैं, उनको शायद बिलीव नहीं होता होगा कि आप जैसा इंसान उनके लाइफ में है और इतना खूबसूरत इंसान, मेहनती इंसान, प्यार करने वाला इंसान उनके लाइफ में है और शायद उनको जैसे बोलते हैं ना बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद काइंड ऑफ अ थिंग हो गया है कि आपको उन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि आप कुछ भी करेंगे तो चलेगा, ओवरऑल एनर्जी बस यही मुझे दिख रही है, उनकी जो इंटेंशंस आपकी तरफ यही है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, उनकी ड्रीम हो, विश कम ट्रू हो और वो आपकी तरफ डेफिनेटली आना चाहते हैं, उनको रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने आपसे ठीक से बर्ताव नहीं किया है, लेकिन उनके जो एक्शंस हैं आपको आपकी तरफ आना चाहते हैं, रियलाइज हो गया है कि आप उनके सब कुछ हैं, वापस यहाँ पे लीब्रा या टॉरस का साइन है, फेमिनिन एनर्जी जो है यहाँ पे शायद प्रेग्नेंट भी हो सकती है या बहुत बहुत अट्रैक्टिव है, आपके पार्टनर को आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत गुड लुकिंग है, बहुत मेहनती हैं, आपकी तरफ वो आना चाहते हैं लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, ये इंसान जो है पाइल नंबर वन उनका ईगो इतना ज्यादा है कि वो आपकी तरफ आने में कतरा रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत हैं, फिजिकल केमिस्ट्री आप लोगों में बहुत अच्छी है, आपकी तरफ उनका जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, आपकी तरफ ईगो तो है उनका लेकिन कार्ड्स में यही दिख रहा है कि वो आपकी तरफ जरूर आएंगे, बहुत पैशनेटली आपकी तरफ आएंगे, जस्टिस कार्ड है, लीब्रा का कार्ड फिर से है, आपको जो सही है वो आपको जरूर मिलेगा, आपने सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रखना है और पहला कदम उनको ही उठाने के लिए आपको वेट करना है, जो सही है ये रिलेशनशिप में वो आपकी तरफ जरूर आएगा, आपके पार्टनर जो है वो आएंगे आपकी तरफ प्यार का एक्सप्रेस करने के लिए, दे विल एक्सप्रेस देयर लव टू यू, ऐसे इंसान है जो छोटा मोटा आपको प्यार का ऑफर देंगे, कहेंगे कि एक मैसेज भेजेंगे, कॉमन मैसेज, जनरल मैसेज, या कहेंगे कि कॉफी के लिए आए हैं या चाय के लिए मिलना है, आपकी तरफ वो स्टेप लेना चाहते हैं और लेंगे भी लेकिन थोड़ी देर के बाद, राइट नाउ वो यही सोच रहे हैं, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे कि मैं डिसीजन लूं या नहीं लूं, इनके दिमाग में अब बिकॉज आप लोगों में काफी दिन सेपरेशन हो गया है, ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा लेकिन आप लोगों में ये टेबल में यही एनर्जी है कि आप लोग सेपरेशन में है और काफी दिन हो गए, मे बी हफ्ते से ज्यादा, 10-15 दिन, में भी महीना हो गया है उससे ज्यादा कि आप लोग सेपरेशन में है और ये इंसान अब डर चुका है कि आपकी तरफ आए या नहीं आए, शायद आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, आपने क्यों इनसे बात करना बंद कर दिया है और शायद आप उनको मना कर देंगे, इस डर से ये आपकी तरफ आने में डर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि एक बहुत कॉमन हल्का फुल्का सा आपको एक मैसेज दे मैसेज भेज देंगे कि हाय हाउ आर यू, या थ्रू योर फ्रेंड्स
किसी पार्टी पे आपको मिलके जस्ट यू नो ब्रेक द आइस की यू नो छोटी मोटी बात करके बात को आगे बढ़ाने की वो कोशिश करेंगे। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आपने इनसे आपने वेट एंड वॉच करना है, आपने इनकी तरफ एक्शन नहीं लेना है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट कि ब्लॉक्स जो है, वॉट आर द ब्लॉक्स, क्या है जो इनको आपकी तरफ आने से रोक रहा है। वॉट आर द ब्लॉक्स इन द रिलेशनशिप दैट इज स्टॉपिंग पाइल नंबर वन पर्सन टू कम टूवर्ड पाइल नंबर वन। वॉट आर द ब्लॉक्स इन द रिलेशनशिप। फॉल्स पर्सन, privileged lady, distance horizon, main man and despair. ठीक है, टॉयल एंड लेबर का कार्ड है यहाँ पे, तो काफी ब्लॉक्स हैं यहाँ पे जो दिख रहे हैं कि या तो काम का कुछ सिचुएशन है, काम के कारण आप लोग सेपरेटेड हैं, या तो वो अलग सिटी में चले गए हैं, या राइट नाउ उनको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। ये इंसान के लाइफ में एक ऐसा दूसरा इंसान है जो झूठा मास्क पहने हुए है। एक ऐसी औरत हो सकती है आपके इंसान के लाइफ में, या अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, या यू नो मदर इन लॉ हो सकती हैं, भाभी हो सकती हैं, बहन हो सकती हैं, ऐसा कोई इनके लाइफ में है जो शायद इनको गलत गाइड कर रहा है, या इनके लिए उनको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि आपकी तरफ वो आ नहीं पा रहे हैं। मेन मैन का कार्ड है यहाँ पे, तो आपके जो इंसान है उनके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं राइट नाउ। बहुत 10-15 चीजों में की तरफ इनकी शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उनको इन सब चीजों में से आपके लिए टाइम निकालने में बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत दुखी है ये इंसान। ये जो लेडी है इनके लाइफ में, जिनकी तरफ जिनके काफी बहुत डिमांड्स हैं आपके इंसान पे, ये एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। झूठा मुखौटा पहने हुए ही औरत है, इसके कारण आपके जो इंसान है वो बिल्कुल टूट चुके हैं, डिस्पेयर हो चुके हैं, ऐसी सिचुएशन में है कि ये औरत को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और उनके साथ खुशी से रह भी नहीं पा रहे हैं, और उनको फिलहाल लग रहा है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत दूर है। आपकी तरफ कैसे पहुंचेंगे उनको राइट ना वो समझ में नहीं आ रहा है। तो आई थिंक जेन्युइन प्रॉब्लम है आपके इंसान का, लेकिन आई थिंक कि जो सेपरेशन का जो कारण है या ब्लॉक है, मे बी थर्ड पार्टी का सिचुएशन है यहाँ पे, जो भी हो सकता है, लेकिन जो गलत आपके जो पार्टनर कर रहे हैं, कि जो भी सिचुएशन है, एक मैसेज आपको दे सकते थे या आपसे बात कर सकते थे, ओपन कम्युनिकेशन कर सकते थे कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, आगे जाके क्या करें। आई थिंक आपके पार्टनर ने आपको एकदम से ही बात करना बंद कर दिया, विदाउट गिविंग यू ज्यादा क्लैरिटी शायद बात करना बंद कर दिया, और उसके कारण आपको काफी टेंशन आ रही है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द फ्यूचर आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। आर्कएंजल माइकल, गार्डियन एंजल, यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज लेट अस नो व्हाट इज द फ्यूचर आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। व्हाट इज द फ्यूचर आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। व्हाट इज द फ्यूचर आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ऑलराइट, व्हाट इज द फ्यूचर आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। ऑलराइट, पाइल नंबर वन, ओवरऑल एनर्जी जो है हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे आपके पार्टनर वर्गो हो सकते हैं। राइट नाउ हर्मिट मोड में है आपके पार्टनर, आइसोलेटेड है, अकेले हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आगे जाके क्या करना है। हैंगमैन की एनर्जी वापस आई है, डिसीजन ले रहे हैं, फिलहाल स्टक फील कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, लेकिन आगे जाके जो है फोर ऑफ
वॉन्ड्स का कार्ड है, इसका यही मतलब है कि थोड़ा सा आई थिंक इनको मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, आपकी तरफ हाथ उठाएंगे, आपको बताएंगे कि शायद आपसे प्यार करते हैं, आपसे सेलिब्रेट, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मैरिज का कार्ड है ये, रिकंसिलिएशन का कार्ड है, सोलमेट ट्विन फ्लेम का भी कार्ड है, तो ऐसे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वापस रिकंसिलिएशन का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि जो अटेंशन आप उनको देते थे, जो आपने उनको ना ऊपर का एक, जैसे बोलते हैं ना कि किसी को एक दर्जा देना, जो आपने आपके पार्टनर को दिया था, वो बहुत मिस करते हैं और आपकी तरफ वापस आएंगे, चाहेंगे कि वो प्यार आप उनको वापस दें। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए। जो फॉर्चून टेलिंग कार्ड्स है आपके फ्यूचर का, राइट नाउ जो आपके कार्ड्स में बता रहा है कि नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड As you face challenges, but remain cautious. तो right now आपको ऐसे लग रहा है कि आपके life में काफी challenges है, लेकिन आपको ये challenges face करने के लिए divine आपको definitely शक्ति देगा. Let go of emotional upheaval and embrace the renewal of the present. Right now आपका जो relationship है उसमें change हो रहा है. Divine आपको ये कहता है कि जो emotional आपको इतनी तकलीफ हो रही है उसको आप give up करें, शांत रहें और जो चेंजेस हो रही है रिलेशनशिप में होने दे, बिकॉज वो अच्छे के लिए हो रही है. ड्रैगन फ्लाई है यहाँ पे, हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट. फिर से कार्ड यही है कि कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में बदल रहा है और वो फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, तो आप जो है पॉजिटिव रहें और जो चेंजेस हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें. एंड फ्यूचर में डबल मैरिज का कार्ड, सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो आई थिंक कि आपके जो पार्टनर है यू नो आपकी तरफ और एक लेवल कमिटमेंट का और एक आगे देंगे. शायद वो डर जाएंगे कि आपने यू नो उनकी तरफ पहला कदम नहीं उठाया है, या यू नो डर जाएंगे कि शायद यू नो आप में इतनी हिम्मत है कि अगर ये इंसान आपके लाइफ में नहीं है तो भी आपकी लाइफ चल रही है. तो जो आपका रिलेशनशिप है उससे एक स्टेप अहेड वो आपको डेफिनेटली कमिटमेंट देंगे. सबके साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, ये ओवरऑल जनरल एनर्जी है. अगर आपकी स्टोरी यहाँ पे थोड़ी बहुत फिट होती है तो आप खुद डिसाइड करें आपको वेट करना है आपके पार्टनर के लिए, या आपको उनकी तरफ यू नो पहला कदम उठाना है. अगर थोड़ा बहुत आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज टैरो रीडिंग करवाएं, मेरे से करवाएं, किसी और से करवाएं. आपकी जो पर्सनल सिचुएशन है उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस जरूर मिल सकती है. ठीक है, लेट्स फाइंड आउट आपके जो इंसान है वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. लास्ट जो है बहुत लंबी रीडिंग हो गई, आधा घंटा हो गया. आपके जो पार्टनर है वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आपके पार्टनर क्या फील करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं. ओके, Ever since I met you, nobody else is worth thinking about. जब से वो आपसे मिले हैं और कोई इंसान आपके जैसा उनकी लाइफ में नहीं है. I feel like I'm waiting for something that isn't going to happen. डर रहे हैं ये टाइम, आपका वेट कर रहे हैं और ये आपको ये कहना चाहते हैं कि शायद इस टाइम उनको लग रहा है कि जिस चीज के लिए वो वेट कर रहे हैं वो शायद नहीं होगा, कि शायद आप वेट कर रहे हैं कि वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे लेकिन उनको अब लग रहा है कि शायद आप कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे. When I look into your eyes, I know I have found the mirror ऑफ माई ओन सोल. सोलमेट का कार्ड है, कहते हैं कि जब मैं आपकी आंखों में देखता हूँ या देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं खुद के ही सोल, खुद के ही रूह में झांक रहा हूँ. I am sorry that this is how things turned out. आपको सॉरी कहना चाहते हैं कि जो राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में हो रहा है, माफी मांगना चाहते हैं कि मे बी आप ये इसके थ्रू गो थ्रू हो रहे हैं आपके पार्टनर के कारण. सो आई थिंक ऑल एंड ऑल पाइल नंबर वन, ऑफकोर्स योर पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, ईगो में है, आदत से मजबूर है कि कुछ भी हो जाए पाइल नंबर वन मेरी तरफ भाग के आएगा या आएगी, आपके लिए वेट कर रहे हैं. जो भी आपका सिचुएशन है तो एडवाइस आपको यही है कि अगर आपको लगता है कि बहुत टाइम से यू नो उनकी ही चलती है और आपको आपकी गलती नहीं होती है तो भी आप उनकी तरफ जाते हैं, एडवाइस आपको यही है कि आप वेट करें. लेकिन ये जनरल रीडिंग है, यू नो योर पार्टनर बेस्ट, आपको जो सही लगे आप वही करें.
एज ऑलवेज अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. वॉट यू फोकस ऑन इज वॉट यू गेट एंड आई विल सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग. थैंक यू सो मच. हेलो, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया था रोज क्वार्ट्ज, आइए देखते हैं कि फिलहाल आपके पार्टनर की आपकी तरफ करंट फीलिंग्स क्या है. रीडिंग में जाने से पहले ये कहना चाहूंगी कि सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा. अगर रेजोनेट नहीं होता है तो पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 3 देखें. जनरल रीडिंग होती है. अगर रीडिंग के थ्रू आपको लगता है कि ये स्टोरी लाइन आपसे मैच होती है तो इसको प्लीज फॉलो करें. तो आइए देखते हैं कि पाइल नंबर 2 जो है उनके जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है. आर्क एंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर 2. थैंक यू. तो रीडिंग में जाने से पहले हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है उनके नाम के कुछ लेटर्स देखेंगे कि उनके क्या लेटर्स निकलते हैं उनके नाम के. और J, फिर से O आया है एंड सॉरी T. तो यू हैव KCITBOOZJUNT. चेक से देख लेते हैं कि उनके और आपके सन साइंस क्या हो सकते हैं. ऑल राइट, फाइल नंबर 2 के या उनके पार्टनर के साइंस की. ऑल राइट, आप या आपके पार्टनर एरीज हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं या कैंसर हो सकते हैं. पाइल नंबर 1 में भी कैंसर आया था. ऐसे इंसान है जिनको घर बहुत प्यारा है, पेरेंट्स बहुत प्यारे हैं, उनका जो दिल है, सुकून जो है उनको घर में ही मिलता है. पाइसिस है, फ्री विल है, ऐसे इंसान है जिनको बांध के रखना बहुत मुश्किल है. स्कॉर्पियो है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है. राइट नाउ शायद आपके रिलेशनशिप में आप में ऐसा कुछ चल रहा होगा जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. एरीज है, न्यू बिगनिंग है, हाई एनर्जी वाले लोग हैं, कुछ ना कुछ हमेशा करते रहते होंगे. ठीक, तो पहले हम देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है. आपके और आपके पार्टनर की जो करंट रिलेशनशिप है उसमें हम फटाक से जानने की कोशिश करते हैं आप और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप में फिलहाल क्या हो रहा है. पाइल नंबर 2 के रिलेशनशिप में राइट का क्या हो रहा है. ओवरऑल एनर्जी जो है 3 of Swords की एनर्जी है. किसी का दिल टूटा है, ब्रेकअप हो गया है. यहाँ पे किसी ने शायद किसी को चीट किया है. आइए देखते हैं आगे. वर्ल्ड का कार्ड है, सन का कार्ड है और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है. तीनों मेजर अरकानास हैं. ओके, क्लैरिफाई द वर्ल्ड. लवर्स, Oh my God. Okay. पाइल नंबर 2, आपके और आपके पार्टनर जो हैं वो शायद ब्रेकअप में हैं और ये ऐसा ब्रेकअप है कि शायद आपका रिलेशनशिप पूरा खत्म हो गया था. जो एक साइकिल है वो साइकिल शायद आप लोगों का खत्म हो गया है.
शायद आप डिवोर्स्ड हो गए थे, सेपरेटेड हो गए थे, एंगेजमेंट टूट गई थी, आप लोगों का प्रॉपर ब्रेकअप हुआ था, थर्ड पार्टी का साइड सिचुएशन हो सकता था, लेकिन राइट नाउ बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। जो साइकिल था वो साइकिल खत्म होके आप लोग शायद फिर से रिकंसिलिएशन हो गया है, फिर से आप दोनों इकट्ठा आए हैं और आपके रिलेशनशिप को शायद आप फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक दूसरे को दूसरा चांस देना चाहते हैं। प्यार में शायद आप दोनों के लिए एक चॉइस था कि किसी किसको चूज करें, आपको चूज करें या किसी और को चूज करें। आपको शायद प्यार में चॉइस था और आपने ये इंसान को चूज किया है। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। आप या आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं। रीबर्थ का कार्ड है यहाँ पे। आई थिंक आप लोगों का ब्रेकअप होके फिर आप लोग वापस इकट्ठा आए हैं। आपका जो रिकंसिलिएशन हुआ है वो ब्रेक के बाद, पूरा प्रॉपर ब्रेकअप होने के बाद शायद आप लोग वापस आ चुके हैं। बच्चे भी हो सकते हैं आपके शायद रिलेशनशिप में, या बहुत इमेच्योरिटी थी आप लोगों के रिलेशनशिप में पहले, जिसके कारण आपका ब्रेकअप हुआ है और आप अब फिलहाल एक दूसरे को फिर से चांस देना चाहते हैं। तो बहुत ही क्लियर स्टोरी लाइन है। अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है यहाँ तक, तो शायद आगे भी नहीं होगा। तो ये पाइल नंबर 2 उनके लिए ही है जो एक दूसरे को सेकेंड चांस दे रहे हैं। ब्रेकअप होने के बाद आप लोग फिर से इकट्ठा राइट नाउ आ रहे हैं, तो आप दोनों में शायद बातें हो रही हैं, एक दूसरे के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, मे बी प्यार का इजहार कर रहे हैं और यू ऑल बोथ आर ट्राइंग टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। ऑलराइट, तो लेट्स फाइंड आउट कि आपके जो इंसान है उनकी लाइफ में राइट नाउ क्या हो रहा है, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके पर्सनल लाइफ में राइट नाउ क्या हो रहा है। वही ट्रांसफॉर्मेशन का फिर से कार्ड है। आपके जो इंसान है उनके लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ हुआ था, कुछ कच्ची नींवें थी जो टूटी थी, बिजनेस में शायद उनको कुछ चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, रिलेशनशिप में उनमें कुछ चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, एंड राइट नाउ दैट इज व्हाट दे आर गोइंग थ्रू देयर लाइफ। ऐसा कुछ हुआ है उनके लाइफ में जो एक लाइफ लेसन था, डेस्टिनी में थी उनकी, तकदीर में था जो भी हुआ होना था। तो फिलहाल उनको लगता होगा कि कुछ नेगेटिव चीजें उनकी लाइफ में हुई है, लेकिन वो पार्ट ऑफ द डेस्टिनी थी, डिवाइन चाहता था कि ये उनके लाइफ में हो। प्यार में डेफिनेटली ये इंसान को चॉइस था, आपको चूज करें या किसी और को चूज करें, और शायद इन्होंने आपको चूज किया है, और जो खुद वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू हो रहे हैं, कुछ ना कुछ उनमें पॉजिटिव बदलाव हो रहा है और बहुत तेजी से वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। आउट ऑफ टाउन से हो सकते हैं, आउट ऑफ सिटी से हो सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो क्या फील करते हैं। बिजनेस करियर में भी अगर उन्होंने कुछ नया स्टार्ट किया है तो वहां पे भी वो फोकस कर रहे हैं। लेकिन ये जो कार्ड है एट ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखता है कि बहुत स्पीड उनके लाइफ में है किसी चीज के बारे में, या तो ये रिलेशनशिप को लेके बहुत जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको शायद सोचने का टाइम भी नहीं दे रहे हैं, बस आपको प्रपोज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो शादी कर ले। मे भी आपके पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे थे और उन्होंने डिसाइड किया कि पेरेंट्स का नहीं सुन के मैं आपके साथ आके इकट्ठा चले जाएंगे, थर्ड पार्टी थी तो शायद डिसाइड किया है कि उन्होंने आपकी तरफ आएंगे, सेपरेशन था तो शायद रिकंसिलिएशन डेफिनेटली चाहते होंगे। ये इंसान जो है आपके बारे में क्या फील करते हैं, लेट्स क्विकली फाइंड आउट। पाइल नंबर 2 के जो इंसान है वो आपके लिए क्या फील करते हैं राइट नाउ लाइफ में। तो उनके ऐसे ही हो रहा है कि कुछ चीजें उनकी लाइफ में बदली है, कुछ झटका उनको मिला है और अब वो उससे उबर के आपकी तरफ शायद आने की कोशिश कर रहे हैं।
उनके फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ और उनके आपकी तरफ इंटेंशंस क्या है, इरादे क्या है उनकी तरफ. लेट्स सी. ओके, व्हाट डज ही फील फॉर यू. पेज ऑफ सोर्ड्स. इंटेंशंस क्या है आपकी तरफ. Alright. आपकी तरफ एक्शंस क्या लेंगे. ओके, आपके जो इंसान है राइट नाउ आई थिंक वो कुछ ट्रांजिशन के थ्रू जा रहे हैं. आपके लिए वो काफी पॉजिटिव फील करते हैं. बहुत प्रैक्टिकली अप्रोच कर रहे हैं आपकी तरफ आने को. एयर साइन काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे. आपके पार्टनर यू नो एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा हो सकते हैं. आप उनके लिए एक विक्ट्री हैं. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे. आपको बहुत यू नो आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए. आपके आप उनके लिए जैसे एक ट्रॉफी है, एक जीत है और ऐसा वो आपको देखते हैं. अगर आप उनके लाइफ में आ जाएंगे तो उनको लगेगा कि उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है. जिस ढंग से आप में भी उनको फील कराते हैं, जिस ढंग से आप उनको प्यार देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, हौसला देते हैं, उसके कारण आई थिंक ये इंसान आपसे काफ़ी काफ़ी प्यार करते हैं. उम्र में ये आपसे शायद छोटे हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, यू नो मेंटली काफ़ी तेज इंसान है. कम्युनिकेशन इनका बहुत स्ट्रांग है. उम्र में जैसे मैंने कहा आपसे छोटे हो सकते हैं और बहुत बात करने में बहुत तेज है, कम्युनिकेशन में बहुत तेज है और उसी तेजी के साथ वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं. उनके जो एक्शंस आपकी तरफ है, इंटेंशंस जो है, आप उनके लिए उनकी विश फुलफिलमेंट है. आपसे शायद यू नो शादी करना चाहते हैं, आपसे आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं वो आपके साथ. एक्शंस भी वो ऐसे ही ले रहे हैं लेकिन थोड़ा सा उनके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो उनको पीछे खींच रहे हैं. बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है कि एक ऐसी औरत उनके लाइफ में है, फेमिनिन एनर्जी है, जो शायद उनको आपकी तरफ आने के लिए रोक सकती है. बॉस हो सकते हैं, मदर हो सकती है, काफ़ी अट्रैक्टिव लेडी है शायद, जो उनको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में थोड़ा सा वो इनको प्रॉब्लम दे रही हैं. अगर आपके पार्टनर का यू नो थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो शायद और एक औरत है इनकी लाइफ में, जिनके कारण जैसे मैंने देखा था यू नो कि चॉइस है, उनको प्यार में चॉइस करना है. तो ये जो औरत है, दूसरी औरत या आदमी जो है, फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जो शायद आपकी तरफ इनको आने के लिए रोक रही है. ब्लॉक्स क्या हैं आपके रिलेशनशिप में देखते हैं. फीलिंग्स आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, चाहते हैं कि आपकी तरफ आए, आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाए, लेकिन एक फिलहाल उनकी सिचुएशन ऐसी है कि कोई एक औरत है, फेमिनिन एनर्जी है, जिसके कारण वो आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं. ये जो औरत है शायद या तो उनकी बॉस हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, काफ़ी गुड लुकिंग अट्रैक्टिव औरत है, बिजनेस वुमन हो सकती है, बहुत स्ट्रांग एक्टिव लेडी है. व्हाट आर द ब्लॉक्स इन दिस रिलेशनशिप. व्हाट आर द ब्लॉक्स इन पाइल नंबर वन पार्टनर्स लाइफ. ओके, डेफिनेटली आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो शायद ऑलरेडी किसी से एंगेज्ड हैं या शादीशुदा है और वो रिलेशनशिप तोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं, या आपके पेरेंट्स ज़बरदस्ती आपकी या उनकी शादी कहीं और कराना चाहते हैं और वो तोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं. कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं ऑलरेडी शादीशुदा हैं या ऑलरेडी एंगेज्ड हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में भी हो सकते हैं या पुलिस में हो सकते हैं. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं आपके इंसान के लाइफ में जिसके कारण वो शायद आपकी तरफ नहीं आ सकते, और जहाँ पे शायद उनकी शादी फिक्स हुई है या जो दूसरा इंसान है जो आपके
इंसान के लाइफ में है, शायद वो पैसे वाला है, इसके कारण शायद जबरदस्ती हो रही है कि उनकी तरफ वो जाए। एक औरत उनके लाइफ में डेफिनेटली ऐसी है जो झूठ बोलती है और उनको मे भी पैसों के जोर पे या किसी में भी काम है, पैसा है, आपको आपकी सिचुएशन पता है, उसके कारण उनको उन्होंने दबा के रखा हुआ है। मैसेज आपको वो देना चाहते हैं, लेकिन राइट नाउ उनकी सच्चाई जो है वो शायद आपको क्लियरली नहीं बता पा रहे हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या कहीं और उनकी एंगेजमेंट हो गई है। शायद आपके पार्टनर के लाइफ में किसी की शायद डेथ हो गई होगी या उनका जॉब छूट गया होगा, कुछ ना कुछ एंडिंग यहाँ पे मुझे दिख रहा है, या तो सम एंडिंग हैज हैपेंड, कुछ उनकी लाइफ में ऐसे हुआ है जो एकदम से कट चुका था, खत्म हो चुका था, और उसके कारण शायद थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, इमोशनल उनको एम्प्टी लग रहा है, इमोशनली खाली लग रहा है और फाइनेंशियली भी उनको खाली लग रहा है। तो ब्लॉक्स काफ़ी क्लियर ब्लॉक्स है कि एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिख रही है और दूसरा ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो ऑलरेडी कहीं एंगेज्ड है या उनके पेरेंट्स या कोई चाहता है कि वो कहीं और कुछ रिलेशनशिप में किसी और के साथ बन जाए, लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आए। मेंटल क्लैरिटी उनको मिल गई है और कोशिश भी कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ डेफिनेटली आए। तो लेट्स सी कि फ्यूचर आउटकम आपके रिलेशनशिप का क्या है। ऑलराइट, व्हाट इज द फ्यूचर आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप फॉर पाइल नंबर टू? व्हाट इज द फ्यूचर आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ पाइल नंबर टू? फिर से एट ऑफ वॉन्ड्स है, फिर से फाइव ऑफ एयर, एट ऑफ एयर, हर्मिट, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी जो होता है। ठीक है, रोमांस एंजल से देखते हैं। लेट मी नो मोर अबाउट द रिलेशनशिप फॉर पाइल नंबर टू। एंगेजमेंट, अट्रैक्शन, इट इज सेफ टू लव, ऑल राइट। पाइल नंबर टू, जब हम कार्ड्स का फ्यूचर पूछते हैं तो आपको पता है कि हम 3 to 6 months के लिए ही पूछते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है, पर्सनल अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका अगर आप हल कैसे करें, तो I suggest कि you should go to a tarot reader और आपकी जो situation है उससे clarity लाएं तो आपको next step दिखेगा। लेकिन आपका जो future है, जो actions आपकी तरफ लेगा या future outcome जो है आपके relationship का, आपके partner जो है वो आपकी तरफ definitely बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक family बसाना चाहते हैं, लेकिन right now वो उनको ये करने में थोड़ा सा टेंशन आ रहा है। आपसे उन्होंने बात अगर की नहीं है तो आपसे बात ज़रूर करेंगे, आपको कहेंगे कि वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी उनकी लाइफ में सिचुएशन है जिनके कारण वो बंधे हुए हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ऐसे लोग हैं उनकी लाइफ में जो बहुत ईगो है, ईगो वाले लोग हैं, बहुत इनकी लाइफ में टेंशन, आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी लाइफ में टेंशन क्रिएट किया है और उनको पूरा जकड़ के रखा हुआ है। एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन जो ब्लॉक्स में हमने देखा था, या तो पैसे का प्रॉब्लम है, या उनकी जॉब चली गई है, या उनको ज़बरदस्ती कहीं और एंगेजमेंट की है या शादी की है, उसके कारण आपकी तरफ आने में थोड़ा कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे आगे जाना है, इसीलिए टाइम चाहते हैं सोचने के लिए, डिसीजन लेने के लिए प्रैक्टिकली कि वो आपकी तरफ कैसे आए। मे भी इसीलिए पास्ट में आपसे चुप हो गए थे या आपसे बात नहीं कर रहे थे, बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रहा था आगे जाना है, कैसे जाना है, लेकिन इच्छा बहुत है कि आपके साथ वो
ये रिलेशनशिप को वर्कआउट करें, मेहनत करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप पे, आप पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप में को प्यार देना चाहते हैं, कोशिश इनकी यही है कि ये रिलेशनशिप आपका जो है वो यूनियन में आए, लेकिन नियर फ्यूचर जो है उसमें उनके जो ब्लॉक्स हैं वो उनको काफ़ी डरा रहे हैं, और नियर फ्यूचर में अगले 3 या 6 महीने में वो इससे कैसे छुटकारा पाना है शायद उसका वो हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, तो अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर आपका इंसान मे बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, कहीं और एंगेज है, मे बी शादीशुदा है, तो क्या आप इनसे प्यार करना चाहिए, तो आंसर इज येस, इट इज सेफ फॉर यू टू लव। ये इंसान इनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो सच्ची आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस में फंसे हुए हैं जिनका वो हल निकालने की सोच रहे हैं। आपके और आपके पार्टनर में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, आपको बहुत गुड लुकिंग फाइंड करते हैं वो, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, और एंगेजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, तो शायद आपके पार्टनर ऑलरेडी एंगेज है या बहुत सून आप दोनों का एंगेजमेंट होने की संभावना है। आउल का कार्ड है यहाँ पे, दे आर स्पिरिचुअल मैसेजेस एंड ग्रेट विजडम टू बी फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। जी हाँ, तो कुछ ना कुछ ट्रांजिशन बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है, और डिवाइन कहता है कि इसको आप एक्सेप्ट करें, और जो भी आपको मैसेजेस या जो भी आप सीख रहे हैं ये ट्रांजिशन की पीरियड में वो आपके लिए अच्छा है, और उससे जो है आप एक बेहतर इंसान बन पाओगे। लव का कार्ड है यहाँ पे, तो डेफिनेटली जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपको प्यार करते हैं, उनका आप वेट करें, बिकॉज आपके जो इंसान है वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे छुटकारा पाके आपकी तरफ कैसे आए। प्लेन का कार्ड है यहाँ पे, शायद आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से अलग हैं, आपकी तरफ आएंगे, या आप शायद आपकी पार्टनर की तरफ उनको मिलने के लिए एक जर्नी जो होगी, आपके प्यार की तरफ एक जर्नी जो होगी शायद बहुत सून इंडिकेटेड है। पॉजिटिव कार्ड्स है, पेशेंस का टाइम है आप लोगों के लिए, इंतजार करना पड़ेगा आपको, पार्टनर आपको चाहते तो है, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन जकड़े हुए हैं कहीं पे, डर रहे हैं कि इस जो चंगुल में फंसे हैं कैसे निकले, बट आई थिंक सोच रहे हैं वो, और जैसे हमने फ्यूचर में देखा कि आपकी तरफ वो जरूर आएंगे। क्या मैसेजेस हैं जो वो आपसे कह नहीं पाते लेकिन आपको देना चाहते हैं, ऐसे क्या मैसेजेस हैं जो वो आपको देना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं? आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट वर्ड्स टू से टू यू। समझ में नहीं आ रहा उनको कि उनकी जो लाइफ सिचुएशन है या जो उनको कश्मकश हो रहा है वो आपको कैसे समझाए। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपसे कम्युनिकेट करने का, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि आपको कैसे बताए। यू आर द ग्लो दैट लाइट्स अप माई लाइफ, तो आप वो एक रोशनी हो, एक इकलौती रोशनी हो उनकी लाइफ में, कि आप आते हैं तो उनको लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ रोशनी है। अ लॉन्ग टाइट हग फ्रॉम यू वुड बी परफेक्ट राइट नाउ, तो आपसे चाहते हैं कि आप उनको एक हग दें, आश्वासन दें कि जो है सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ, शायद ये आपसे वो सुनना चाहते हैं। आई एम करंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, तो कोशिश कर रहे हैं कि खुद को बेहतर करें आपके लिए, तो आपको शायद उनका वेट करना होगा। करंट एनर्जीज में बस यही है कि आपसे प्यार करते हैं, सिचुएशन ऐसा है कि वो जकड़े हुए हैं, लेकिन आपकी तरफ जब वो अपना जो डर है उसको वो काबू करेंगे तो आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे। दैट इज ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 2। एज ऑलवेज, अगर ये रेजोनेट होता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you. Number 3, welcome to the reading. आइए देखते हैं जिन्होंने ये चक्रा पेन चूज किया था, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है और आगे आपके रिलेशनशिप में क्या होगा। रीडिंग में जाने से पहले जल्दी से देख लेते हैं उनके सन साइंस क्या है। आर्क एंजल माइकल एंड गार्डियन एंजल एंड द यूनिवर्स होली स्पिरिट एंड द डिवाइन प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर 3। ऑलराइट,
ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ नहीं रेजोनेट होगा। अगर ये पाइल नहीं रेजोनेट होता तो पाइल नंबर 2 या 1 देखें। रीडिंग के बीच में अगर आपको लगता है कि शायद ये आपकी स्टोरी लाइन है और जो एडवाइस निकलते हैं जनरल रीडिंग है, तो इसीलिए फिर मैसेज में आता है कि आपने दीदी ऐसे कहा था लेकिन ऐसे आधी चीज़ें ऐसी हुई, आधी अलग हुई हैं, तो ये एनर्जीज जो हैं हम वो रीड करते हैं। अगर आपकी स्टोरी है, स्टोरी लाइन अगर आपसे मैच करती है, तो आपके जो पर्सनल रीडिंग में आपको हल ज़रूर मिलेगा। तो मैं यही आपको सलाह दूंगी कि अगर स्टोरी लाइन मैच होती है और अगर आपको कुछ एडवाइस फॉलो करना है या कुछ सॉल्यूशन आप चाहते हैं, आपसे रेजोनेट होता है, तो प्लीज़ आप एक पर्सनल रीडिंग करवाएं ताकि आपको एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन का आंसर मिले। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट पाइल नंबर 3 के पार्टनर का और आपका साइंस क्या हो सकते हैं फॉर पाइल नंबर 3। आप या आपके पार्टनर एरीज हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं और कैंसर हो सकते हैं। काफी रिपीटिंग कार्ड्स आए हैं। पाइसिस का कार्ड है, आप या आपके पार्टनर पाइसिस हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे इंसान हैं आप या आपके पार्टनर जिनको आप बांध के नहीं रख सकते, फ्री रहना उनको पसंद है। कैंसर का कार्ड है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस है, तो आपके पार्टनर जो है काफी फॉरगिविंग हो सकते हैं, काफी एक्सेप्टिंग हो सकते हैं, दूसरों की गलती शायद जल्दी से माफ कर देते होंगे। आप या आपके पार्टनर जेमिनाई है, नेगोशिएशन का कार्ड है, बातें बहुत अच्छी करती होंगे, अपनी बात कैसे मनवानी है इनको पक्का पता है। स्कॉर्पियो का कार्ड है, तीनों पाइल्स में स्कॉर्पियो और एरीज आया है और पाइसिस भी आया है, शायद तीनों पाइल्स आपको देखने होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ चेंज जरूर हो रहा है। न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, एरीज का कार्ड है, या तो प्यार में नई शुरुआत, रिलेशनशिप में नई शुरुआत, या ऐसे इंसान है जिनको हर वक्त कुछ ना कुछ करने की आदत है। ठीक है, तो वेरी क्विकली देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ क्या हो रहा है। पाइल नंबर 3, व्हाट इज हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ, व्हाट इज हैपनिंग इन पाइल नंबर 3 इज रिलेशनशिप राइट नाउ, व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन पाइल नंबर 3 इज रिलेशनशिप राइट नाउ। थैंक यू। एयर साइन काफी यहाँ पे स्ट्रांग मुझे दिख रहा है, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। आप और आपके पार्टनर डेफिनेटली नो कांटेक्ट में है, आपका शायद इफ ब्रेकअप नहीं हुआ है तो एटलीस्ट झगड़ा तो हुआ ही होगा। शायद आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है या आप ऑलरेडी सेपरेटेड है। आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरों को सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पे एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर नजर बनाए हुए हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पार्टनर के लाइफ में क्या हो रहा है, और दोनों तरफों से यही हो रहा है। आपके रिलेशनशिप का एंड जरूर हुआ है, या तो आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, या आप चाह रहे हैं कि दो स्टोरी लाइन से, या तो आप और आपके पार्टनर का ब्रेकअप हो चुका है, आप लोग आगे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये आपको शायद मुश्किल लग रहा है, या ऐसा भी दिख रहा है कि आप वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर किसी और के रिलेशनशिप में है और वो रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो तो वो आपके पार्टनर आपकी तरफ आए। तो राइट नाउ आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है कि कुछ ना कुछ डेफिनेटली खत्म हुआ है, या तो आपका रिलेशनशिप टूटा है, या आप चाह रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है वो किसी से रिलेशनशिप तोड़ के आपकी तरफ आए। एक ऐसी एनर्जी मुझे रिलेशनशिप में दिख रही है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, काफी मेंटली स्ट्रांग एक एनर्जी है जो ये रिलेशनशिप को शायद आगे बढ़ने से रोक रही है। या तो आप खुद हो सकते हैं, शायद आपके खुद के पेरेंट्स हो सकते हैं, मदर हो सकती है, या जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी वाइफ या मदर इन लॉ हो सकती है। डाइवोर्सी का कार्ड भी है और विडो का भी कार्ड है, तो शायद
यही दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ने के लिए आपको शायद रुकावट ये औरत से हो रही है या इसके कारण शायद आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है। लेट्स सी आगे कार्ड्स में क्या आता है। आपके जो इंसान है पाइल नंबर 3 उनके लाइफ में क्या हो रहा है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं राइट नाउ उनके लाइफ में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन पाइल नंबर 3 लाइफ राइट नाउ, व्हाट इज हैपनिंग पाइल नंबर 3 लाइफ राइट नाउ। फिर से सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वेट एंड वॉच कर रहे हैं आपके इंसान जो है, एम्परर का कार्ड है। ओके, आपके पार्टनर जो है वो राइट नाउ उनके लाइफ में एक ऐसा इंसान है जो बहुत डोमिनेटिंग है, उनको बहुत कंट्रोल करता है। आपके पार्टनर को जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनको बिल्कुल भी पावर नहीं लगती है। एक ऐसा इंसान है उनके इर्द गिर्द जिसने इनकी पूरी पावर जो है छीन ली है। शायद एक या तो लव इंटरेस्ट हो सकता है दूसरा उनका, उनके या तो पेरेंट्स ने उनको किसी से शादी करने के लिए फोर्स किया है या कोई और उनके लाइफ में है और वो इतने डोमिनेटिंग और इतने कंट्रोलिंग है कि आपके पार्टनर जो है उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो आगे कैसे जाए। डिसीजन लेना चाहते हैं, वो इस चंगुल से शायद निकलना चाहते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है। ये भी मुझे दिख रहा है कि शायद आपके जो पार्टनर हैं, आपकी स्टोरी लाइन हो सकती है कि शायद आपके जो पार्टनर है आप एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं और दोनों में से कोई इतने डोमिनेटिंग है रिलेशनशिप में कि एक जो इंसान है वो चाहता है कि ये रिलेशनशिप से बाहर निकल जाए, लेकिन वेट एंड वॉच कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आगे कैसे जाना है। ऑलराइट, दो स्टोरी लाइन यहाँ पे मुझे पैरेलल दिख रहे हैं। या तो आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपके पार्टनर काफ़ी डोमिनेटिंग है, एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज और आपको समझ में नहीं आ रहा ये रिलेशनशिप में रहना है या नहीं, या आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं जिनसे आप प्यार करते हैं उनके लाइफ में एक ऐसा इंसान है जिन्होंने उनको पूरी तरह जकड़ के रखा है। आपके पार्टनर की आपके तरफ फीलिंग्स क्या है, इंटेंशंस क्या है और एक्शंस क्या है, आपके पार्टनर की आपकी तरफ फीलिंग्स क्या है, इंटेंशंस क्या है और एक्शंस क्या है। फीलिंग्स, वाओ, इंटेंशंस, और एक्शन। जल्दी से देख लेते हैं व्हाट आर द ब्लॉक्स, सॉरी व्हाट आर द ब्लॉक्स इन दिस रिलेशनशिप, व्हाट आर द ब्लॉक्स इन दिस रिलेशनशिप। ओके, रोमांस एंजल से पूछ लेते हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में जल्दी से। ऑलराइट, पाइल नंबर 3, आपके जो इंसान है आपके लिए क्या फील करते हैं। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, जो सही है वो आपकी तरफ डेफिनेटली वो करना चाहते हैं आपके साथ। मे बी बहुत क्लियर दिख रहा है कि आपकी तरफ आने में इनको रोका जा रहा है या खुद ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं बिकॉज कोई ना कोई कुछ ऐसी सिचुएशन इनके लाइफ में है जो इनको आपकी तरफ आने से रोक रही है।
फाइल नंबर टू के भी सिमिलर कार्ड्स थे ये, आपकी तरफ आना चाहते हैं। सेक्सुअल केमिस्ट्री आप लोगों में काफ़ी है, शायद आप लोगों का ऐसा रिलेशनशिप हुआ होगा कि इंटीमेट आप लोग काफ़ी एक दूसरे के साथ हो गए हैं, लेकिन अब आगे कैसे बढ़ना है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत है, आपको वो जो करेक्ट है आपके लिए वो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बोझ के तले दबे हुए हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो आपकी तरफ कैसे जाए। आपका जो प्यार है या आपको जो करेक्ट है ये रिलेशनशिप में जो आपको मिलना चाहिए ये आपको नहीं दे सकते, इसीलिए उनको बहुत बोझ के तले आए हुए हैं। तो फीलिंग्स यही है कि आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत है, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जो सही है आपके लिए वो करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल कर नहीं पा रहे हैं और उसके कारण उनको बहुत दुख महसूस हो रहा है। इच्छा क्या है, चाहते हैं कि रिकंसिलिएशन हो, होप रखते हैं कि ये उम्मीद रखते हैं कि आगे जाके शायद आप लोग इकट्ठा आएंगे। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे, सैजिटेरियस हो सकते हैं, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में गलत हो रहा है, चाहते हैं कि वो बैलेंस करें, जो सही है वो चॉइस जो है वो लेना चाहते हैं। मे बी टेंशन के कारण शायद ड्रिंकिंग करते होंगे, स्मोकिंग करते होंगे, कुछ तो ऐसी चीज है जो इनके लाइफ में बैलेंस को बिगाड़ रही है, इमोशनली फिजिकली मेंटली चाहते हैं कि वो हीलिंग हो जाए। आपके बारे में रात को सोचते होंगे, आपके बारे में सोच के रोते होंगे, आप उनके लिए उनके लाइफ में एक स्टार हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। प्यार का आपको ऑफर देना चाहते हैं, आपको सॉरी भी कहना चाहते हैं, सॉरी का कार्ड है ये, लेकिन कह नहीं पाते, बहुत स्ट्रेस्ड और उदास है ये, बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी तरफ वो आगे कैसे बढ़े। उनके आपकी तरफ अब ब्लॉक्स क्या है, तो ब्लॉक्स में मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये जो इंसान है दूसरों के एक्सपेक्टेशंस के नीचे दबे हुए हैं। जो सोसाइटी चाहती है मुझे वही करना है, जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है वही करना है, जो पेरेंट्स चाहते हैं वही करना है। बहुत लोगों के एक्सपेक्टेशंस डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लोग हैं जो इनके ऊपर काफ़ी एक्सपेक्टेशंस बनाए हुए हैं। एक्सपेक्टेशंस को हम हिंदी में क्या कहेंगे, इच्छाएं, दूसरों की इच्छाएं बस पूरी करने में ये लगे हुए हैं। बहुत कंफ्यूज है ये, नहीं समझ में आ रहा इनको कैसे आगे जाना है। शायद इनके जो पेरेंट्स हैं या इनके जो फादर हैं या मे बी अगर ऑलरेडी शादीशुदा है थर्ड पार्टी में, एक ऐसा इंसान है इनके इर्द गिर्द जो बहुत अमीर है और पैसे के जोर पे भी शायद इनको दबा के रखे हुए हैं कि पैसे को लेके आई थिंक रिलेशनशिप जोड़ने वाले ऐसे इंसान हैं आपके पार्टनर के लाइफ में, और जिसके कारण आई थिंक ये आपके प्यार में रिलेशनशिप में बहुत बड़ा ब्लॉक हो रहा है। आपकी तरफ आपके रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है राइट नाउ, मून का कार्ड है यहाँ पे, वापस मदर का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, फेमिनिन एनर्जी का प्रॉब्लम है, फ्यूचर जो आपका रिलेशनशिप का है सीक्रेट्स है, कुछ ना कुछ आपसे छुपा होगा, सच्चाई आपको चीजों के बारे में शायद नहीं वो बता पाएंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे आप के इंसान आपकी तरफ आने के लिए, जो चाहते हैं शायद उसको करने के लिए हिम्मत नहीं है। एंजाइटी का कार्ड है ये, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि पानी में जैसे ये डूब रहे हैं, चाहते हैं कि आपकी तरफ आए, लेकिन कुछ जो है वो आपकी तरफ आने से इनको पीछे खींच रहा है और इनको हिम्मत नहीं है कि ये इससे बाहर आए। कुछ ना कुछ इनके लाइफ में है, कुछ टॉक्सिक बिहेवियर है, कुछ एडिक्शन है, या ऐसे लोग हैं जिनको इनसे छुटकारा पाना चाहिए लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं और कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ कैसे आना है। चॉइसेस काफी हैं, जैसे ब्लॉक्स में था कि माँ बाप की सुने या बॉस की सुने या आपकी तरफ आए, कुछ और कोई और पार्टनर है इनके लाइफ में उनकी तरफ जाए।
बहुत कंफ्यूज है और उसके कारण इनको शायद यू नो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, मे बी ड्रग्स ले रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा एक उनको प्रॉब्लम हो सकता है। एंड जो थर्ड और फाइनल कार्ड है यहाँ पे उनका एक्शन आपकी तरफ, हर्मिट का कार्ड है, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ही यू नो बंद हो जाएंगे, बिल्कुल ही इतने कंफ्यूज हो जाएंगे, इतने बोझ के तले दब जाएंगे कि एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 months इनकी हालत ऐसी होगी कि ये किसी से बोलना नहीं चाहेंगे, कुछ डिसीजन लेना नहीं चाहेंगे, बस एकांत में कहीं दूर जाके बैठना चाहते हैं और सोचना चाहते हैं कि मैं आगे रिलेशनशिप के लिए क्या करूं। तो जो फ्यूचर है आई थिंक नेक्स्ट 3 to 6 months में, इवन दो ये इंसान आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, नेक्स्ट 3 to 6 months में मुझे यही दिखता है कि ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाएंगे, बिकॉज इनकी लाइफ में या तो यू नो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या पेरेंट्स हैं, या मे बी पैसे को लेके कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण वो आपकी तरफ नहीं आएंगे, आना तो चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाएंगे। देखा, डेविल का कार्ड है यहाँ पे, टेक केयर इमीडिएटली एंड अवॉइड टेम्पटेशन एंड डिसीट। तो कुछ लालच इनको दिखाया जा रहा है जिसके कारण वो आपकी तरफ आने से कतरा रहे हैं, या तो पेरेंट्स ने इनको कुछ लालच दिया है, ब्लॉक्स में भी आया था, या पैसे को लेके कुछ धमकी दे रहे हैं, या कुछ तो इनको बहुत बांध के रखा हुआ है, कुछ आपका सिचुएशन आपको पता है लेकिन कुछ ऐसी चीज है जिनसे इनको बहुत बांध के रखा हुआ है जिसके कारण ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, चाहते तो हैं लेकिन राइट नाउ कोशिश कर रहे हैं कि इससे कैसे निकले। मून कार्ड भी यही कहता है कि कुछ ना कुछ है जो उनको नीचे की तरफ खींच रहा है बल्कि कि वो आपकी तरफ आ पाए। चैरिट का कार्ड है यहाँ पे, आई थिंक थोड़े समय के बाद ये जो इंसान है उनको हिम्मत मिलेगी कि वो प्रैक्टिकल एक डिसीजन लेके आपकी तरफ आए, और जो फ्यूचर आउटकम है इसमें हमको सन मिला है जो बहुत पॉजिटिव कार्ड है, तो आई थिंक कि इनिशियल यू नो इनिशियल जो सेटबैक है ये आई थिंक आपके पार्टनर को गो थ्रू करना पड़ेगा, खुद उनको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, जो लोग उनके इर्द गिर्द है जो शायद उनको धमका रहे हैं या लालच दे रहे हैं उनसे कैसे हैंडल करना है शायद आपके पार्टनर को वो सीखना पड़ेगा, और तब तक शायद आपको भी उनको टाइम देना पड़ेगा कि रिलेशनशिप में जब वो आपकी तरफ आएंगे तो बाकी के जो सब प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करके वो आपकी तरफ आए। हनीमून का कार्ड है यहाँ पे, तो आई थिंक फ्यूचर में जाके पॉजिटिव आउटकम है कि शायद आप लोगों को एक दूसरे के साथ टाइम मिलेगा। फाइनेंस एंड करियर का कार्ड है, तो शायद पैसों के लेके या करियर को लेके आपके इंसान आपकी तरफ आने से कतरा रहे हैं, ये शायद एक प्रॉब्लम हो सकता है। डिवाइन यही चाहता है कि जो भी टाइम आप लोगों को मिलता है वो आप इंजॉय करें एक दूसरे के साथ, अगर आप हो एक दूसरे से अगर बात हो रही है तो एक दूसरे को टेंशन ना दे, जो टाइम आपको मिलता है वो आप हंसी खुशी से सॉल्व करें। एंड लव योर सेल्फ फर्स्ट का कार्ड है, अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप ये इंसान के लिए वेट करके थक गए हैं या ये इंसान आपसे ठीक बर्ताव नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट आपको सेल्फ लव करना है, खुद को आप इतना ऊंचा ऊपर उठा के रखें कि हर कोई आपकी तरफ ऑटोमेटिकली खींचना चाहिए। कुछ मैसेजेस देखते हैं जो शायद आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं लेकिन नहीं दे पा रहे, ऐसे क्या मैसेजेस हैं जो पाइल नंबर 3 के पार्टनर उनको देना चाहते हैं लेकिन नहीं दे पा रहे। माय हार्ट नेवर न्यू लोनलीनेस अनटिल यू वॉक्ड अवे, आई एम मिसिंग यू। तो अगर आप लोगों में सेपरेशन है तो आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए बहुत आपको मिस कर रहे हैं, आपको यही कहना चाहते हैं कि उनको एहसास नहीं था कि जब आप उनके लाइफ से निकल जाएंगे तो वो आपको इतना मिस करेंगे। सॉरी, अ लॉन्ग टाइट हग फ्रॉम यू वुड बी परफेक्ट राइट नाउ। चाहते हैं कि आप उनको बस एक हग दें और सब उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको लगता है खत्म हो जाएंगी। यू आर द ग्लो दैट लाइट्स अप माई लाइफ, पिछले भी डेक पे यही आया था पिछले पाइल में कि आप ऐसी रोशनी है उनकी लाइफ में, ऐसे इंसान है
जो उनकी लाइफ में आता है तो उनकी लाइफ में रोशनी हो जाती है। आई एम करंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। और मून कार्ड का भी यही मतलब होता है कि ये इंसान को टाइम देना चाहिए कि अपने जो प्रॉब्लम्स है, एडिक्शंस है, जो फियर्स है, फोबियाज है, जो भी उनको पीछे खींच रहा है, उनसे वो खुद बाहर निकले। और शायद आपके इंसान ये कर रहे हैं। यू आर माई हेवन ऑन अर्थ। आप ये इंसान के लिए धरती पे भी जन्नत है। तो पाइल नंबर 3, सेपरेशन आप लोगों का ब्रेकअप ऑलरेडी हुआ है मुझे ऐसा लग रहा है। और उसका यही कारण है कि कुछ लालच देके, कुछ धमकी देके, तो ऐसा ही लग रहा है कि कुछ लालच देके या कुछ धमकी देके ऐसा कुछ सिचुएशन है जिसके कारण शायद आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। इमीडिएटली मुझे नहीं लगता है, राइट नाउ आई थिंक वो इसी एनर्जी में है कि वो थोड़ा सोचना चाहते हैं, एकांत चाहते हैं, खुद को शायद हील करना चाहते हैं। लेकिन फ्यूचर आपका काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। तो एज ऑलवेज जैसे मैं कहती हूँ कि अपने एनर्जीज और वाइब्रेशंस को हाई रखें। व्हाट यू फोकस ऑन इज व्हाट यू गेट। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।